ओके तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं कि ACL की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल किया था, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल एंड लैब्स देखते हैं और ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड ACL की लिमिटेशंस थी, एक्सटेंडेड ने उनको कैसे इम्प्रूव किया था। तो यहाँ पे एक लैब मैंने प्रिपेयर की हुई है और इसमें IP मैंने कॉन्फ़िगर ऑलरेडी कर रखी है, राइट। जो स्क्रीन पे लिखी हुई है वही IP मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ दोबारा से याद दिला देता हूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, IP सर्विसेज। तो बैकएंड पे आपका क्या है, जो नेटवर्क है इसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस राउटर के पास अपने रूट तो हैं लेकिन ये वाला रूट नहीं है, तो ये रूट इसके पास होना चाहिए। उसके लिए क्या करना, मैं स्टैटिक राउटिंग करता हूँ। आप चाहें तो इसमें डायनामिक राउटिंग भी कर सकते हैं, OSPF या EIGRP वगैरह, बट यस मैं सिर्फ कौन सी कर रहा हूँ अभी, स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि एक ही रूट डालना है। ओके तो स्टैटिक में मेरे को नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, 172.19.0.0। सबनेट मास्क इसका डिफ़ॉल्ट है, मैंने कोई सबनेटिंग वगैरह अभी नहीं कर रखी है। देन नेक्स्ट होप IP क्या होगा आपका, गैस कीजिए। यस यू आर राइट, जो आपका नेक्स्ट राउटर है उसकी IP। चलिए तो ऐड करता हूँ इस रूट को, ये ग्राफिकली मैंने किया है। कमांड से आप जाएंगे तो सेम कमांड मिलेगी आपको, ध्यान से देखिए। IP रूट, डेस्टिनेशन IP, सबनेट मास्क, नेक्स्ट होप IP, राइट। तो एक तरफ से हुआ, दूसरी तरफ करते हैं। आप जाते हैं कॉन्फिग स्टैटिक राउटिंग, हमें कॉन्फिगर करना है 10 का रूट, डिफॉल्ट सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप IP, जो नेक्स्ट राउटर की IP एड्रेस है। चलिए तो ये हुआ हमारा स्टैटिक IP, स्टैटिक राउटिंग। तो एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्टिविटी, यहाँ से यहाँ पर पैकेट भेज के सोर्स टू डेस्टिनेशन। चलिए तो ARP वगैरह पहले हो रखा है, जिस साइड नहीं होगा दोबारा पैकेट चलेगा ARP का। तो पहला पैकेट फेल, अगेन लेट मी सेलेक्ट द पैकेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, कैप्चर एंड फाइनली यस, एवरीथिंग इज स्मूथ। तो अभी मेरे को कनेक्टिविटी मिल रही है यहाँ पे। मैं क्या चाहता हूँ, अभी एक लिस्ट लगानी है जिसके थ्रू, देखिए मैं एक सोर्स चूज करता हूँ और एक डेस्टिनेशन चूज करता हूँ। तो लेट्स से सोर्स हम रखते हैं ये वाला PC, दिस वन, और डेस्टिनेशन रखते हैं हम ये वाला PC, राइट। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा मुझे चाहिए है। तो देखते हैं कि स्टैटिक, सॉरी, जो आपका स्टैंडर्ड ACL है उसके थ्रू कितना कर पाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप देखिए, मैंने कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, ब्लॉक, यहाँ पे एक कंडीशन दी है मैंने, क्या, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ 10.3.4.10.10। यहाँ पे ये 10.10 है, ये 10.3 था, इसका एक्सेस इसके लिए रोकना था। तो ये क्या हुआ, सोर्स साइड हुआ जहाँ से पैकेट चलना है, ये क्या होगा आपका डेस्टिनेशन साइड जहाँ पे पैकेट पहुँचना है, राइट। तो ये क्या बना आपका सोर्स राउटर, ये आपका क्या बना डेस्टिनेशन राउटर। अच्छा कमांड देखिए कैसे रन करनी है, मैं जाता हूँ राउटर। अच्छा लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो आपका स्टैंडर्ड ACL है उसको सोर्स पे नहीं डेस्टिनेशन पे अप्लाई करना है, कैसे, मैं एक बार सोर्स पे ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड लगानी है तो नंबर याद है 1 to 99, मान लीजिए मैंने लिखा 50, क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे डिनाई है, परमिट है और रिमार्क है। रिमार्क आपका वो डिस्क्रिप्शन की टाइप है, याद है जो टैग लगा देते हैं केबल पे कि किसके लिए है ये लिस्ट, तो रिमार्क कोई ज़रूरी नहीं है, बट यस देर इज एन ऑप्शन। तो अभी मुझे क्या करना था, डिनाई करना है किसको, 10.3 को। ओके सो डिनाई के बाद देखेंगे सिंगल, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपको सिंगल होस्ट, एक ही IP, एक ही PC ब्लॉक करना है तो आपको लिखना है होस्ट, राइट, और उसका IP एड्रेस आपको लिख देना है इस तरह से। फिर स्पेस क्वेश्चन मार्क, क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे डेस्टिनेशन के नाम पे कुछ दिख रहा है, नो। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी स्टैंडर्ड ACL है उसमें सिर्फ सोर्स का जिक्र आता है, डेस्टिनेशन का नहीं। अच्छा अब अगर मान लो इस वाले राउटर को यही नहीं पता कि ब्लॉक किसको करवाना है, तो समझिए ACL का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा क्या, कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं ब्लॉक किसे करना तो कैसे ब्लॉक कराएंगे। तो लेकिन अब मान लो मैं इस वाले इंटरफेस पे लगा दूँ, अब आप कहेंगे कि सर दो प्रोसेस का था ACL, तो अभी तो सिर्फ बनी है, मैं सीरियल 2x0 पे अगर लगा दूंगा लिस्ट तो यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है,
तो आपका वैलिड पॉइंट है। लेकिन फिर मैं अगर कहूँ कि ब्लॉक तो सिर्फ ये कराना है, लेकिन अगर इस राउटर के साथ एक और नेटवर्क होता या इसके साथ दूसरा कोई और राउटर जुड़ा होता इस वाली साइड पे, तो वो तो सारे ब्लॉक हो जाते ना। मेरे को सिर्फ क्या है, ये डेस्टिनेशन ब्लॉक करनी है। तो इसके लिए मेरा डेस्टिनेशन राउटर पे होना ज़रूरी है जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ACL की। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो ACLs है ना, ये बड़ी ही बहुत डेंजरस एंड बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखिए आप ज़रा। तो जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आप अपने राउटर पे, अपने फायरवॉल पे, अपने डिवाइसेस पे ACL लगाइए, अदरवाइज मत छेड़िए इनको। पूरा नेटवर्क का सेगमेंट या पूरा नेटवर्क भी आपका डाउन हो सकता है ACL की एक छोटी सी कमांड गलत होने से, राइट? तो ये ध्यान रखना है आपको, पहले अच्छे से कमांड बनानी है ACL पे, फिर यूज़ करना है इसको। अच्छा, तो इधर वाले साइड पे अगर मैं जाता हूँ, सेम लिस्ट लगाता हूँ, एक एक्सेस लिस्ट, और फिर इसमें क्या करना है, नंबर देंगे आप, बताएंगे स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, अभी हम सिर्फ कर रहे हैं स्टैंडर्ड। फिर उसका टास्क क्या देना है आपको, फ़िल्टर जब करेगा इस पैकेट को तो क्या परमिशन है, डिनाई है या अलाउ है। चलिए, तो एक सिंगल होस्ट को करना है, कौन सा वो होस्ट है आपका, 10.3, एंटर। तो डू शो रन करेंगे आप, तो ये लिस्ट की एंट्री एक आपको दिखनी चाहिए, सी दिस वन। तो रनिंग मेमोरी में तो सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये तो एक स्टेप वन हुआ जिसमें आपने सिर्फ क्या है, लिस्ट को क्रिएट किया है, राइट? क्रिएट द लिस्ट, अगर आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, स्टेप वन क्रिएट ACL, और किस पे करना है, डेस्टिनेशन राउटर पे। अब लिस्ट को करना है अप्लाई, तो या तो इनबाउंड ट्रैफिक पे होगा या आउटबाउंड ट्रैफिक पे होगा। देखिए, इनबाउंड पे लगाना है तो सीरियल 2x0 पे लगाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये किस तरह की ट्रैफिक इस पे है, इन आएगी और इधर से आउट। अच्छा, ये अगर आप बोलेंगे कि सर जब रिप्लाई जाएगा तो ये तो इन बनेगा ना, तो आपको हमेशा किसके रेफरेंस में बात करनी है, सोर्स, जिधर से पैकेट आ रहा है, जिधर से ट्रैफिक आ रही है, तो इधर से इन होगी, इधर से आउट होगी। तो आप यस सीरियल 2x0 के इन पे भी लगा सकते हैं और FA 0x0 के आउट पे भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी पे भी आप लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कैसे बताऊँगा इस राउटर पे, डेस्टिनेशन पे लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये आपके किस इंटरफेस पे जुड़ी है, तो आप क्या करेंगे, उसी इंटरफेस पे ACL लगा देंगे, राइट? तो अभी आपको समझ आया कि क्यों डेस्टिनेशन राउटर पे ही लगती है हमेशा आपकी स्टैंडर्ड ACL। चलिए, उसके लिए क्या करिए, आप इंटरफेस FA 0x0 चूज़ किया, अप्लाई कैसे करना है, IP, फिर देखिए एक्सेस ग्रुप की कमांड है, ये कमांड आपको रन करनी है। फिर देखिए नंबर पूछता है आपका, तो किस नंबर से, सेम नंबर होना चाहिए, याद रखिए, ये बहुत बार दिक्कत आती है यहाँ पे, डिफरेंट नंबर नहीं डालना, जो लिस्ट आपने अप्लाई करवानी है, जो क्रिएट की थी वही। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क करिए, देखिए किस तरह की ट्रैफिक होनी चाहिए, अभी यहाँ पे आउट, एंटर, एग्जिट, अगेन डू शो रन करेंगे, आपको एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये तो आपको इंटरफेस पे दिखेगी ना, चलिए FA 0x0 पे देखिए, एक्सेस ग्रुप आउट, तो ये एक इंटरफेस पे एक लिस्ट लग चुकी है। एक और इसकी कमांड क्या है, आप देखिए, शो एक्सेस लिस्ट, तो आपने क्या करा हुआ है, स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट लगाई हुई है 50 नंबर से, और उसकी ऑपरेशन क्या है आपका, ये वाला। चलिए एक बार देखते हैं कि हम जो करना चाहते थे वो हुआ है या नहीं। अच्छा, तो लेट्स सी, ये जो PC था इसको कर पाएगा कि नहीं एक्सेस। ARP का पहला प्रोसेस होगा, ओके, जाएगा, ओके, देखिए हो क्या रहा है, दोबारा से आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए सबसे पहले इस PC पे गया, PC ने ARP किया, और जब भी स्विच के पास जाएगा, स्विच कहेगा कि जो 10.3 और जो 172.19, ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है, तो मेरे नेटवर्क में नहीं है, तो मैं किसको भेज दूंगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ, जो कि राउटर था। राउटर क्या कहेगा, मेरे पास इसकी एंट्री है कि नहीं मेरे राउटिंग टेबल में, तो हाँ हमने स्टैटिक राउटिंग की, ये बिल्कुल हमारे पास एंट्री है, तो ये भेज देगा आपके नेक्स्ट होप की तरफ। नेक्स्ट होप पहले सिर्फ क्या कर रहा था, फॉरवर्डिंग, लेकिन अभी फॉरवर्डिंग के साथ साथ ये क्या कर रहा है, फिल्टरिंग। देखिए, इस पर क्लिक करेंगे जब आप पैकेट पे, इसी के लिए मैंने GNS की बजाय पैकेट ट्रेसर को प्रेफर किया था। पढ़ते रहिए ज़रा, सीरियल 2x0 ने रिसीव किया, नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस चला, उसने अपनी टेबल चेक की, लेकिन टेबल वगैरह तो सब कुछ था, उसके अंदर सारी आपकी एंट्री थी, लेकिन जैसे ही वो पैकेट गया आपके नेक्स्ट इंटरफेस पे, एग्जिट आउट वाले इंटरफेस पे,
तो ये क्या कहता है कि आउट गोइंग पोर्ट पे ना एक आउटबाउंड ट्रैफिक लिस्ट लगी हुई है 50 ID के साथ। याद है हमने 50 IP एक्सेस ग्रुप और आउट पे आउटबाउंड की एक लिस्ट लगाई हुई है इंटरफेस के ऊपर। तो अब ये क्या करेगा, राउटर चेक करेगा उस पैकेट को लिस्ट के साथ कि भाई ये डिनाई करनी है या अलाउ करना है। तो याद है हमने क्या किया था, डिनाई। पैकेट इस फॉलोइंग क्राइटेरिया को मैच करता है जो है डिनाई होस्ट, तो इसलिए पैकेट क्या है, डिनाई और ड्रॉप हो जाता है। तो अभी क्या है आपका, जो इधर वाले साइड पे अनरीचेबल का मैसेज चला गया होगा, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से पिंग करके, पिंग 172.19.0.3, सी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो कनेक्टिविटी है, राउटिंग है, सब कुछ है, पर क्योंकि आपने एक लिस्ट लगा दी, एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर दी है स्टैंडर्ड वाली, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है आपको यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन क्या थी कि पूरा ये जो नेटवर्क है ना, पूरा मैं नहीं चाहता कि ये और ये ब्लॉक हो, मीन्स 10.3 इसको कर पाए, ये मेरी तमन्ना है, मेरी दिली इच्छा है कि 10.3 172.19.0 को कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन देखते हैं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। तो सोर्स डेस्टिनेशन, अब देखिए नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे नेटवर्क सेगमेंट को ब्लॉक करता है, तो ये किसकी लिमिटेशन है आपकी, ACL स्टैंडर्ड की। अच्छा दूसरा काम क्या था कि ये टू वे ट्रैफिक ब्लॉक करता है, तो इधर से देखते हैं उधर जा पाएगा कि नहीं आपका पैकेट, आर्प चलेगा ठीक है। अगेन आपका रिक्वेस्ट तो चला गया लेकिन रिप्लाई जब आएगा तब आपका दिक्कत होगी, क्यों समझिए। जब ये इधर से गया, सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी ये था, तो चला गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने लिस्ट कौन सी आईपी पे लगाई है, 10.3 पे। दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ सोर्स आईपी होगी ये 172 वाली और डेस्टिनेशन होगी 10 वाली। तो देखिए राउटर के पास आया, इसने चेक किया कोई ACL नहीं है ना 172.19.0.3 के लिए, चलो गया, इस पे भी कोई ACL नहीं थी इसके लिए। जब ये रिप्लाई करेगा राउटर, और जब यहाँ पे आया अब की बार देखिए रिप्लाई करते हुए ना, सोर्स ये बनेगा और डेस्टिनेशन ये बनेगा, और जब इस राउटर के पास आएगा तो इसको पता है 10.3 के लिए एक लिस्ट बनी हुई है और उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड। इस वजह से ये क्या है, दोनों तरफ की ट्रैफिक ब्लॉक करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, एक ये लिमिटेशन थी। और तीसरा मैंने बता ही दिया था आपको कि जो स्टैंडर्ड ACL है हमेशा आपको कहाँ पर अप्लाई करनी रहती है, आपकी डेस्टिनेशन के साइड पर, क्योंकि आपकी कमांड में कहीं पर भी डेस्टिनेशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए राउटर पहचान नहीं पाएगा। डेस्टिनेशन वाले साइड पे जाकर ही इंटरफेस चूज करना होता है, तभी आपको पता लगेगा उस राउटर को कि हाँ ये इंटरफेस मीन्स ये वाला नेटवर्क मेरी डेस्टिनेशन है। ओके तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई थिंक 13-14 मिनट की, तो इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रखेंगे एक्सटेंडेड ACL के ऊपर, राइट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।